बंगाल के चुनावी संग्राम में आज गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम और बांकुड़ा के रानीबांध में ममता के खिलाफ हुंकार भरी। हालांकि झारग्राम में रैली से पहले अमित शाह के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस वजह से उन्हें यहां वर्चुअल तरीके से रैली को संबोधित करना पड़ा। झारग्राम रैली में टीएमसी पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 साल में राज्य में गुंडाराज चरम पर है, अब यहां हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य में विकास तहस नहस कर दिया है। अमित शाह ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की 115 योजनाएं जो गरीब को लाभान्वित करती उन्हें लागू नहीं होने दिया गया। 10 साल के दीदी के शासन में मोदी जी ने जो योजनाएं पहुंचाई, 115 से ज्यादा योजनाएं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए मोदी सरकार ने पहुंचाई है, वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही। और इसका सबसे बड़ा हर्डल है, इसका सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो ये तृणमूल की सरकार। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो आदिवासी छात्रों के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू आदिवासी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, ताकि इस समुदाय के बच्चों को और मौके मिले। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासियों के उत्थान के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम बंगाल में 100 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल सरकार ने एकलव्य मॉडल स्कूलों को सही तरीके से धरातल पर नहीं उतारा है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर बंगाल के हर तहसील में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित होगा, वन धन विकास केंद्रों को भी आगे बढ़ाया जाएगा और बंगाल में फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरी तरह से लागू किया जाएगा। जितने भी एसटी के मुकदमे होते हैं इसमें फ्री लीगल एड, हम कानूनी सहायता फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि एसटी सर्टिफिकेट जो है वो भ्रष्टाचार के बगैर मिल जाए। भले ही हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से अमित शाह को झारग्राम में वर्चुअल रैली करनी पड़ी, लेकिन बांकुड़ा के रानीबांध में विशाल जन समुदाय के सामने ममता के कटमनी कल्चर पर वो खूब गरजे। बांकुड़ा के रानीबांध में रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी ने आदिवासियों के अधिकार देने में कटमनी मांगा है। मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि हर तहसील में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का हम काम करेंगे। वन धन विकास केंद्र जो आदिवासियों के स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम करता है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। बांकुड़ा के रानी बांध में रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी ने आदिवासियों के अधिकार देने में भी कटमनी मांगा है। वन पत्र अधिकार देने में कटमनी देना पड़ता है। बीजेपी सरकार बना दीजिए, किसी आदिवासी भाई को सर्टिफिकेट लेने के लिए 100 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। बांकुड़ा के दौरान अमित शाह ने बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा पर भी ममता को घेरा। बंगाल में 130 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं के मारे जाने पर उन्होंने ममता सरकार से जवाब मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट।